दोस्तों अगर आप भी सौरव गांगुली को एक बेहतरीन कप्तान और बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों बीसीसीआई के पूर्व चीफ और भारत के सबसे सफल कप्तानों में से एक सौरव गांगुली ने भारत को जीत दिलवाने को लेकर एक ऐसी टीम की घोषणा की है कि अगर भारतीय टीम अपना लेती है और खेलने का मौका दे देती है तो फिर क्या सोचना है, वर्ल्ड कप ट्रॉफी को भारत में एक बार फिर से आने से कोई टीम नहीं रोक पाएगी। तो ऐसे में क्या है सौरव गांगुली के द्वारा बनाई गई वर्ल्ड कप के टीम की रूपरेखा, बताएंगे आपको इस वीडियो में। उससे पहले आपका क्या मानना है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली में से कौन सा बल्लेबाज इस बार वर्ल्ड कप के दमदार बल्लेबाजी करेगा, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं 12 सालों के लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर से आईसीसी का वनडे वर्ल्ड कप भारत में होने जा रहा है, जिसकी वजह से भारत लगातार प्रशंसकों की भी उम्मीद भारतीय टीम से बढ़ती जा रही है कि जैसे पिछली बार भारत में हुए वर्ल्ड कप में भारत ने जीत दर्ज करने में कामयाबी हासिल की थी, वैसे इस बार भी भारतीय टीम जीत जाएगी। और यही कारण भी है कि लगातार दिग्गजों के द्वारा टीम की भी घोषणा की जा रही है। इस कड़ी में भारतीय टीम के पूर्व दिग्गज कप्तान सौरव गांगुली ने भारतीय टीम की घोषणा की है, जिसको अगर भारतीय टीम खिलाने में सफल रहती है तो फिर उनका जीतना तय है। ऐसे में कौन कौन से वो खिलाड़ी हैं जिनको सौरव गांगुली ने दे दी है अपनी टीम में जगह, आइए बताते हैं। दोस्तों बीसीसीआई के पूर्व चीफ ने भारत में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए जो टीम तैयार की है उसमें उन्होंने काफी कप्तान रोहित को ही रखा है। वहीं ओपनिंग जोड़ी के तौर पर शुभमन गिल को मौका दिया, वहीं तीसरे नंबर पर उन्होंने विराट कोहली को खेलने की नसीहत दी है। वहीं श्रेयस अय्यर की गैर मौजूदगी में चार नंबर पर उन्होंने सूर्य कुमार यादव को बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। वहीं पांचवें नंबर पर हार्दिक पांड्या को मौका देने का फैसला किया। छठे पर विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर ईशान किशन को मौका दिया है। सातवें स्थान पर और आठवें नौवें स्थान पर ऑलराउंडर को मौका देने का निर्णय किया है, जिसमें उन्होंने कर्म सह अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन को बल्लेबाजी करने का फैसला किया। वहीं 10वें नंबर पर मोहम्मद शमी और 11 नंबर पर मोहम्मद सिराज को बल्लेबाजी करने के लिए फिट समझा है। वहीं उन्होंने जसप्रीत बुमराह की परिस्थिति के हिसाब से टीम में जगह देने की मांग की है। आपको बता दें कि सौरव गांगुली के द्वारा चुने गए टीम में जसप्रीत बुमराह, युजवेंद्र चहल और ऋतुराज गायकवाड़ को रिजर्व खिलाड़ी के तौर पर रखा गया, जिनको परिस्थिति के हिसाब से टीम में जगह देने और बाहर करने की नसीहत दे दी गई है। ऐसे में आपको बता दें कि अगर भारतीय टीम इस तरह के सीक्वेंस के साथ मैदान में उतरती है तो सौरव गांगुली का ऐसा मानना है कि जीतने में जरूर कामयाब रहेगी। ऐसे में उन्होंने स्पिन गेंदबाजी पर ज्यादा जोर डालते हुए कहा है कि चूंकि ये मुकाबला भारत में खेला जाना है, ऐसे में भारतीय टीम को तीन स्पिन गेंदबाजों को जरूर खिलाना चाहिए। ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है सौरव गांगुली के द्वारा बनाए गए इस टीम में भारतीय टीम वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब हो पाएगी, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।